तो भाई लोग फाइनली सालार का ट्रेलर 2 यानी कि सालार का एक्शन ट्रेलर निकल चुका है। आई नो आज मैं थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और यार सालार का ट्रेलर 2 का न्यूज सुन के मैं तो थोड़ा शॉक हो गया था। 4 दिन पहले इसका एक्शन ट्रेलर डाल रहा है इन लोग। आई डोंट नो ये कौन सा तरीका है प्रमोशन का। वैसे एग्जाम के वजह से मेरा थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह मिस हो रहा है, वो भी हम डालेंगे, तो उसके लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर चलो चलते हैं वीडियो पे, वीडियो देखते उसके बाद बाकी बात करते हैं। और तब तक के लिए ये चैनल पे भी नया हो तो सब्सक्राइब करो। आई डोंट नो तुम लोग December 31st से पहले मेरे को 4000 पहुंचाओगे। साला रिलीज ट्रेलर, ये कुछ अलग नाम दे सकता था। खैर चलो लेकिन बचपन में तुम्हें एक कहानी सुनाता था पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान को, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था, मैकेनिक को स्पैनर दो, रिंच दो, तो कैसे इस्तेमाल करना है जानता है, गन दोगे तो क्या करेगा। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी भाई मैं पीछे लेता हूं, एक एंट्री करनी है। सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था, और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। Wait. I need a drink. दारू है क्या? बस इतना ही। मन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं पूरे खानसार में हाई अलर्ट पे रहे। खानसार में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। खानसार अब लाल होगा, इसलिए जो कैलकुलेट ही ना हो पाए ऐसा पागल लाया हूं। या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। उसका नाम याद है काका, खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। मेरे को जितना दूर लगता है। खैर सालार का जो ट्रेलर था उससे तो ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, मतलब जो ट्रेलर में स्क्रीन टाइम है प्रभास का। बट ट्रेलर एंड होते होते हम लोग को ये भी बता दिया है कि पार्ट 2 जो होने वाला है सालार का, उसमें तुमको दो भाई का दुश्मनी देखने को मिलेगा। मे भी 3 घंटे का मूवी है, हो भी सकता है और कुछ अलग ट्विस्ट वगैरह भी देखने को मिल सकता है, बट पॉसिबिलिटी तो 90% मेरे को लग रहा है कि वो दूसरा पार्ट में ही दिखाएगा इन लोग। खैर जो भी हो अब तो समझ आया प्रशांत नील है, और जितना मैं उग्रम के बारे में सुना हूँ उसके ऐसा तो स्टोरी ये नहीं होने वाला है। वैसे तो मैं उग्रम नहीं देखा, बट अगर उसके जैसा भी स्टोरी हो तो मेरे लिए तो यार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिन लोग उग्रम देखे हो तुम लोगों के अंदर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसके साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या। बाकी यार VFX का बात करूं, कुछ शॉट में मेरे को बहुत ही कमजोर लगा VFX, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो CGI पे बना है बैकग्राउंड देख के। आई नो इसका मतलब एक ज्यादा हिस्सा VFX में स्टैंड अलोन करने वाला है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड ट्रेलर। बट वो डायलॉग यार मेरे को मस्त लगा, इसलिए जो कैलकुलेट होना पाए
ऐसा ही पागल लाया हूँ, ऐसा कुछ था। बट यार जितना भी बोलो, जो एक्शन है मेरे को कहीं पे उतना भी टॉप नॉच नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल राय है, किसी दूसरे लोगों को अलग भी लग सकता है। आई डोंट नो, ये सिर्फ ट्रेलर है, शायद मूवी में और भी बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि यार हम लोग टीजर से ही ऐसा देखते आ रहे हैं कि प्रभास ऐसा शॉर्ट घुमा रहा है, और यार वो काटने का साउंड इफेक्ट जो होता है ट्रेलर में भी कुछ वैसा ही शॉर्ट दिखा, इसमें भी ज्यादातर वैसा ही शॉर्ट है। सिर्फ एक शॉर्ट छोड़ के वो पीछे लेता वो गाड़ी एंड देन ब्लास्ट होता है। और पहला ट्रेलर में भी कुछ काटने वाला सीन था, इसमें भी हाथ काटने वाला कुछ सीन है। ओवरऑल कह सकते हो ये ट्रेलर सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए था। मतलब ना इससे तुम स्टोरी का कुछ अंदाजा लगा सकते हो, ना इससे तुम कुछ क्लू निकल सकते हो। मतलब ऐसा एकदम बीच में लटक के रख दिया। बट ओवरऑल जो भी बोलो, प्रशांत नील का जो टोन है, स्पेशली कलर ग्रेडिंग यार बहुत ही मस्त लग रहा है। लिटरली जहां जहां पे प्रभास का एंट्री होता है ना, वो शॉट एक अलग ही गूज़बम्प्स देता है। 90% ये मूवी डार्क में स्टैंड करेगा, तो मे बी वीएफएक्स का उतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल यार केजीएफ का वो मशीन गन, और इधर जो वो मशीन गन्स टाइप सा कुछ है, एक एक करके उठा फिर गोली चला, वो शॉट यार अलग ही तालियां सीटियां गिरेगा थिएटर में, ये तो कंफर्म है। बाकी ओवरऑल ठीक है, मेरे को तो उतना खास इंप्रेसिव नहीं लगा, बट यार स्टोरी के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या ख्याल है इस ट्रेलर के बारे में, और तुम लोगों को कौन सा शॉट ये ट्रेलर से सबसे बढ़िया लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए ये चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 4000 के हम लोग बहुत ही करीब है। मिलते हैं तुम लोगों से अगला वीडियो पे, तब तक के लिए मेरा ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।